स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण खबर में। जी हाँ, लॉकडाउन 5.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, अमित शाह ने किया तय। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 पर गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने लॉकडाउन 4.0 को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री के विचार जाने। अमित शाह ने लॉकडाउन 4.0 के वर्तमान हालात पर भी चर्चा की। खबर है कि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के चौथे चरण और 31 मई के बाद अमल में लाए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के अगले चरण में लगाई जाने वाली पाबंदियों और छूटों पर उनकी राय जानी। मुख्यमंत्रियों से यह भी पूछा गया कि वह किन सेक्टरों को खोलने की अनुमति चाहते हैं। बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.5 लाख से भी पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना मरीज संख्या 158,333 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 4531 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की अमित शाह सरकार ने जी दोस्तों बहुत बड़ा फैसला लिया है। किन किन सेक्टरों को छूट होगी यह अब राज्य पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो जो जिस क्षेत्र में छूट देना चाहे तो राज्य अपने हिसाब से दे सकती है। अब केंद्र सरकार किसी को बाध्य नहीं करेगी कि क्या खोलना है और क्या बंद करना है। राज्य अपने हिसाब से अपने राज्य की जरूरती चीजों को खोल सकती है या फिर बंद कर सकती है। ये थी पूरी खबर। लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें।